स्वागत है दोस्तों, वापस से लेके आए नए हम टॉपिक से। तो आज का टॉपिक इतना ज्यादा वायरल है कि सारे बहादुर शिकारी सरेंडर हो गए देख के एनिमल की इतनी खुखार पारी। समझ लो, एनिमल शिकारी शाम बहादुर एनिमल क्लैश। कोई सेंसेस बात की? पता है एक मूवी सिनेमा कब बनती है? जब उसको लिखने वाला, बनाने वाला और एडिट करने वाला एक ही सेंटीमेंट का हो, क्योंकि उसने इस कहानी को स्क्रैच से लेके एंड तक हर मोमेंट में जिया होता है। तो संदीप रेड्डी वांगा सर, हैट्स ऑफ टू सर, यू नो, राइटर डायरेक्टर एडिटर संदीप रेड्डी वांगा फॉर एनिमल मूवी कमाल है। बाप और बेटा, आपने आज तक वाइल्ड लव तो सुना होगा, बट क्या आपने कभी किसी बाप के लिए बेटे का वाइल्ड लव देखा है? ये मूवी उसी वाइल्ड लव के बारे में। सो टीजर की तरह इसकी भी शुरुआत होती है टी सीरीज के गोल्डन लोगो विद द ब्लू बैकग्राउंड के साथ, साथ में साउंड ऑफ द सीन, यानी कि सीन के अंदर का साउंड आपको सुनाई देता है। एंड उसके बाद फर्स्ट सीन में ही एक्टिंग के समंदर ने जो सुनामी लाया है भाई साहब, मतलब चुम्मा, क्या मजा आ गया यार। पहले सीन में वो जो इंटेंस मोमेंट, मैं तो हिल गया। एंड उसके बाद हमें बाप बेटे की कहानी दिखती है, जहां पे पता चलता है कि एग्जैक्टली बाप कैसा है, बेटा कैसा है, माँ कैसी है और बेटे की पत्नी कैसी है। मतलब थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया, बट ये सारी चीजें हमें इसमें दिखती है। इसके साथ साथ स्टोरी जब आगे बढ़ती है और जब वो बिल्टअप स्टार्ट होता है, जो मतलब एक्शन सीन का मॉन्टेज वो दिखाना चाह रहे थे, उसके लिए जो वो बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने यूज किया है, आए भाई साहब, आए हाय हाय हाय। एंड ये सब चलते हुए बीच में अचानक से बॉबी देओल का वो चुप कराने वाला एक्टिंग सीन के अंदर वो जो इंटेंस लुक हमें दिखाई देता है, वो जरूर इशारा करता है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस पॉइंट ऑफ सीन पे। एंड ट्रस्ट में भाई, आज तक मैंने कभी भी बॉबी देओल को इतने इंटेंस लुक में किसी भी मूवी में नहीं देखा। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अब समझा मैं इसको ए रेटेड सर्टिफिकेट क्यों मिला है सेंसर बोर्ड की तरफ से। लिटरली वायलेंट मूवी है, ऐसी कोई भी चीज है नहीं जो मतलब इसको ए एंड यू बना दे। बहुत टाइम बाद एक ऐसा ट्रेलर आया है जिसमें बहुत कुछ है बोलने के लिए, मतलब मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं कौन से सीन के बारे में बात करूं, कौन से सीन के बारे में नहीं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। बॉस इस पे तो एक डिटेल वीडियो बनता है, इस पे पूरा टोटली एनिमल यू नो स्टोरी प्रेडिक्शन से लेके कैरेक्टर की डिटेलिंग पे एक वीडियो जरूर आपको देखने मिलेगा बिफोर द रिलीज। फिलहाल इतना समझ लो, इस मूवी के हर सीन के हर एंगल, हर एक्टर, हर कैरेक्टर ने कूट कूट के एक्टिंग भरी है भाई इस मूवी में। एंड यस, हाँ, ये मास एक्शन मूवी होगी, बट स्टोरी इसका लीड रोल होगा। एंड भाई इसकी स्टोरी मैं लिटरली एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। रणवीर कपूर का वो वाइल्ड एंड ओवर ऑब्सेस्ड कैरेक्टर देखने के लिए, वो जानवर क्यों बना है वो समझने के लिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी भी बहुत तरीके से हाइड रखी गई है। बहुत सारे सीन्स हमने जो टीजर में देखे थे उसी को ट्रेलर में यूज़ किया गया है ताकि स्टोरी पूरी तरीके से रिवील ना हो जाए। चलो ये सब तो ठीक है, पर आपको एक चीज़ बता दूँ, हर मूवी के ट्रेलर में एक मनी शॉट होता है जो पूरे ट्रेलर को वाव बना देता है। पता है आपको इस ट्रेलर का वो मनी शॉट क्या है? अबे ये मनी शॉट नहीं, पूरा का पूरा खजाना खाली शॉट था। वो गन के नाम पे मिनी तोप चला रहा है मेरे भाई, क्या दिखाया है यार, मजा आ गया। बहुत टाइम बाद दो ऐसी मूवी क्लैश कर रही है बॉलीवुड में, या फिर कह सकते हो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जहां पे मूवी स्टोरी स्क्रीन प्ले एक्टर्स एक्टिंग कैरेक्टर्स डायरेक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक लिटरली दोनों के दोनों बहुत ही एक दूसरे को कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दे रही है। यानी कि अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो किस मूवी को प्रायोरिटी दूँ। मैं इस ट्रेलर को देता हूँ भाई 5 में से 5 स्टार, और मैं तो कहता हूँ 5 के ऊपर भी जो भी जितने भी स्टार है सब रख लो यार। मतलब मजा आ गया, KGF 2 के बाद पहली बार मुझे कोई ऐसा ट्रेलर दिखा जिसमें लिटरली मजा आ गया, मजा आ गया। तो आपको एनिमल का ट्रेलर कैसा लगा? एंड आप शाम बहादुर और एनिमल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसको देखने जाओगे? इसके बारे में अपने कमेंट्स एंड ओपिनियन मुझे
जरूर बताना, क्योंकि मैं अभी भी लिटरली कंफ्यूज हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही फिल्मी वीडियोस ना लाते रहता हूँ। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए।